टाटा ग्रुप की दिग्गज स्टील कंपनी टाटा स्टील ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजों में पेश किए गए आंकड़े अनुमान से कमजोर रहे, ऐसे में गुरुवार को बाजार खुलने के साथ ही शेयर औंधे मुंह गिर गया। टाटा स्टील में करीब 4.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और ये बुधवार के 174.25 रुपए की क्लोजिंग से शेयर लुढ़कता हुआ करीब 12 बजे 165 रुपए के लेवल पर पहुंच गया। नतीजे कैसे रहे और उसके बाद क्या है ब्रोकरेज हाउसेस की राय, साथ ही कैसा रहा है शेयर का परफॉर्मेंस, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। पहले तिमाही नतीजों की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड मुनाफे में पिछले साल के मुकाबले 64% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं कंपनी की कारोबार के जरिए आय 6% गिरी है। कंपनी का मार्च तिमाही का मुनाफा 554.6 करोड़ रुपए रहा, जो कि एक साल पहले 1566 करोड़ रुपए था, यानी मुनाफे में 64.6% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं कंपनी की आय पिछले साल के मुकाबले 6.8% की गिरावट के साथ 58,687 करोड़ रुपए रही, जो कि साल भर पहले 62,961 करोड़ रुपए थी। कंपनी का खर्च एक साल पहले 59,918.15 करोड़ रुपए के मुकाबले 56,496.88 करोड़ रुपए रहा। एबिटा में भी साल दर साल के आधार पर 8.6% की गिरावट रही है और एबिटा 7,219 करोड़ रुपए से गिरकर 6,600.7 करोड़ रुपए पर आ गया है। मार्जिन 11.3% पर रहे हैं, जो कि एक साल पहले 11.5% पर थे। इसके साथ ही टाटा स्टील ने अपने निवेशकों के लिए 360% के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1 रुपए की फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 3.60 रुपए का डिविडेंड देगा। वहीं टाटा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अतिरिक्त डेट सिक्योरिटीज जारी कर फंड जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि उसकी योजना नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि एनसीडीज जारी कर 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की है। ये डिबेंचर एक या ज्यादा किस्तों में प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर जारी किए जाएंगे। टाटा स्टील के मुताबिक स्टील कंपनियों के फाइनेंसिंग प्लान की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। 31 मार्च 2024 के मुताबिक कंपनी का कुल कर्ज 77,550 करोड़ रुपए था। रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज की राय सामने आई है। जेफरीज ने टाटा स्टील पर बाय कॉल के साथ 200 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। जेफरीज के मुताबिक क्वार्टर फोर एबिटा तिमाही आधार पर 5% बढ़ी, वही सालाना आधार पर 9% गिरी थी। चौथी तिमाही में नेट डेट तिमाही आधार पर सपाट रही, साथ ही विदेशी होल्डिंग में कर्ज चुकाने के लिए कंपनी 2.1 अरब डॉलर की योजना बना रही है। दरअसल बोर्ड ने कंपनी की सब्सिडरी टी स्टील होल्डिंग्स यानी कि TSHP सिंगापुर में 2.11 अरब डॉलर यानी कि 17,407.50 करोड़ रुपए फंड के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फंड का इस्तेमाल कर्ज के भुगतान और टाटा स्टील UK की रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट को पूरा करने में किया जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड एबिटा अनुमान से बेहतर है। घरेलू और विदेशी कारोबार का प्रदर्शन भी अनुमान से अच्छा है। घरेलू कारोबार के लिए कालिंग नागर फेज 2 विस्तार पटरी पर है और UK के लिए मौजूदा हैवी एसेट्स बंद होने के करीब। टाटा स्टील पर मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग के साथ 135 रुपए प्रति शेयर का टारगेट दिया है। टाटा स्टील भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील मेकर है मार्केट कैप के हिसाब से। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 240% का बंपर रिटर्न दिया है। एक साल में 55% की तेजी आई है इसमें और 6 महीने में इसने 30% का उछाल दिखा है, लेकिन 1 महीने में मामूली बढ़त देखने को मिली है और पिछले 5 दिनों में इसमें करीबन 5% तक की गिरावट आई है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हाँ, किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक। बिज तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिज तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस
बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।